So तैयारी चल रही होगी है ना सो so, आप में से काफी सारे स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे की ये क्या मैं कॉपी 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 आज का सेशन क्या होने वाला है ये कौन सा कॉपी है नोटबुक वाला कॉपी है या फिर कॉपी करने वाला कॉपी है है ना सो so, चलिए बता देती हूँ आज का सेशन क्या है आज के सेशन में ये वाला वीडियो है बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है और पढ़ाई का वीडियो नहीं है ठीक है कुछ चीजें हैं जो सभी के आसपास कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ होता रहता है तो मैं बस आपको बताना चाहती हूँ आपकी बेहतरी के लिए भी एक टीचर की बेहतरी के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है ठीक है चलो मैं सीधा पॉइंट पर आती हूँ इधर उधर की बातें नहीं ठीक है सो क्या होता है बहुत सारे एजुकेटर्स है, है ना और हर एक टीचर का अपना एक मेथड होता है पढ़ाने का चीजों को समझाने का ठीक है सो so, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक स्टूडेंट को किसी एक टीचर का कुछ चीज समझ में आती है और दूसरे टीचर का कुछ और चीज है जो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है किसी पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करने का मेथड एक टीचर का अच्छा लगता है और दूसरे टीचर का कुछ और चीज को सॉल्व करने का मेथड बेस्ट लगता है तो ऐसा तो कभी नहीं होता कि आप एक सब्जेक्ट के लिए कि आपको एक ही टीचर को फॉलो करना है और वो करना है नहीं करना है कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है है ना आपकी मर्जी है आपको किसी एक टीचर को फॉलो करना है दो को करना है या तीन को करना है कैसे भी करना है जो भी करना है आपको करना है ठीक है सो so, मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोग ना टीचर्स को कई बार बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देते हो पढ़ाने की क्या पढ़ाया जाए क्या पढ़ाया जाए किस मेथड से पढ़ाया जाए फॉर एग्जाम्पल अब मैंने आपको बोला कि अगर आपको एक टीचर का एक मेथड अच्छा लगा तो दूसरे टीचर का कोई और मेथड अच्छा लग सकता है आप दूसरे टीचर का मेथड अगर आप लेट uh, सपोज मेरे चैनल पर मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ ठीक है और आप लोग क्या बोलते हैं जो चीज एक्चुअल हुई है मैं वो बता रही हूँ आपको ठीक है और इस चीज से uh, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ कि हाँ इस चीज से कुछ बहुत ज्यादा मैं इमोशनल होगी नहीं ऐसा कुछ नहीं है बट कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इसीलिए बता रही हूँ ठीक है अब क्या हुआ अगर मैंने कोई मेथड आपको पढ़ाया ठीक है किसी पर्टिकुलर uh, चीज से मैंने आपको एक पजल या सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कराई सपोज ठीक है और let, और आपको किसी ओ, टीचर का uh, एक पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरी तरफ से मैंने कभी आपको ये तो नहीं बोला कि हाँ आप मेरा मेथड फॉलो करो नहीं आपको मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं बहुत सारे टीचर्स हैं जो अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं आपको जिसका अच्छा लगता है आप वहां जाइए आप अब मेरे चैनल पर आकर आप मुझसे पढ़ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि आप मैम ये वाला मेथड अच्छा नहीं है इससे अच्छा ये वाला मेथड है ठीक है तो चलिए मैंने क्या बोला आपको कि आप उस टीचर से पढ़ सकते हो अरे आप कहीं भी जाओ आपके मेरे मेरा क्या मतलब है देखो मैं कहीं पर भी पेड नहीं पढ़ा रही हूं ठीक है सो ये तो मेरा पैशन है मैं इसलिए पढ़ा रही हूं ठीक है इट्स जस्ट दैट सो आप लोग अगर ये बोलते हो कि आप इस टीचर को आप क्या कहते हैं इस टीचर का मेथड अच्छा है तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया आपने बोला कि हाँ इस टीचर का वो अच्छा है ठीक है मैंने देखा हाँ मेथड अच्छा है तो मैंने उस मेथड को आगे पढ़ाया ठीक है अब जब मैंने उस मेथड को आगे पढ़ाया तो आप ही स्टूडेंट्स पता है क्या बोलते हैं आपने तो इस सर की या इस मैम की कॉपी कर ली अपना कुछ लेकर आओ ये क्या है आपने तो उनकी कॉपी कर ली अरे आपको पढ़ने से मतलब है या फिर किस चीज से आप लोग यही ताक झाक में रहते हो कि इसने इसका ये कॉपी किया इसने इसका ये कॉपी किया मार्केट में सभी एजुकेटर्स करते हैं सभी के सभी करते हैं और क्या ये गलत चीज है अगर किसी और टीचर का कुछ मेथड अच्छा है तो आप उसको अडोप्ट नहीं कर सकते क्यों कॉपी हो गया उस टीचर का कि हाँ ये वाला मेथड मेरा है कैसी बात करते हैं आप लोग कहीं मतलब कहीं से भी नहीं छोड़ते हैं आप लोग एक चीज कराई जाती है आपको अगर आपको किसी और टीचर से अच्छा लगता है तो आप बेशक जाइए भाई आपको किसी और टीचर का समझ में आता है आप वहां पर जाइए आपको मेरा कुछ अच्छा लगता है आप जरूर देखिए लेकिन आप नेगेटिविटी हर टाइम हर टाइम हर टाइम क्यों स्प्रेड करते हैं और एक और चीज़ चलो मुझे देखो कमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता कुछ सच ठीक है लेकिन मुझे हंसी आती है कई बार एक और चीज बताना चाहती हूँ आपको अभी कल की ही वीडियो पर एक स्टूडेंट का कुछ कमेंट आया ठीक है उसने क्या बोला कि आ, किसी अब स्टूडेंट्स उनको अच्छा लगता है तो वो अच्छा कमेंट करेंगे अगर उनको बुरा लगता है तो वो बुरा भी कमेंट करेंगे तो आप लोगों को क्या होता है अंदर से तुमको पैसे मिलते हैं क्या मैम के बारे में अच्छा कॉमेंट करने के लिए आपको पता है अभी मेरे चैनल पर टोटल कितने सब्सक्राइबर्स हैं बहुत कम बहुत ही कम मेरा जो चैनल है वो बहुत ही धीरे 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 ग्रो कर रहा है बहुत ही स्लोली बहुत ही स्लो ग्रो कर रहा है अगर मुझे कमेंट्स के अच्छे कमेंट्स के पैसे देने हैं तो उससे बढ़िया मैं मेरा चैनल को ही ना बड़ा कर सब्सक्राइबर्स ही ना खरीद लू कुछ भी लिख देते हो कुछ भी ऐसे स्टूडेंट्स ना कभी कामयाब नहीं होते सच्चाई है ये क्योंकि आप लोगों का ध्यान आप लोगों का जो फोकस है वो पढ़ाई पर नहीं है बाकी सब चीजों पर है मेरा कुछ नहीं जा रहा है इससे धोखा आप अपने आप को दे रहे हो अपने माँ बाप को दे रहे हो अपनी फैमिली को अपने भाई बहनों को दे रहे हो वो लोग आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हाँ आप एक दिन बैंकर बनेंगे या जो भी आपको जो भी जॉब करना है आप एक दिन जॉब करोगे है ना माँ बाप का नाम रोशन करोगे लेकिन आप बहुत गलत जा रहे हैं तो मैं चाहती थी कि आपको एक बार ये चीज एक्नोलेज करूं कि आप लोग गलत करते हैं आप लोग पढ़ने के लिए आते हैं पढ़िए जहां से पढ़ना है जिससे पढ़ना है प्लीज पढ़िए बस पढ़िए और कुछ मत करिए बस यही चीज थी जो मैं बताना चाहती थी कि ये कॉपी वाला बहुत ज्यादा आजकल चल रहा है कि अरे आपने इन टीचर का ये मेथड कॉपी कर लिया आपने इन टीचर का ये मेथड कॉपी कर लिया तो क्या हुआ भाई तो क्या हुआ बहुत से टीचर्स है बहुत से टीचर्स करते हैं तो इसीलिए क्या होता है आप एक टीचर को रेस्ट्रिक्ट कर देते हो कि वो वो, वो वाला मेथड यूज ही ना करे वो अपना जो बेसिक चलता है जैसा वो पढ़ाता है वो वैसा ही पढ़ाएगा ठीक है और एक और चीज बताती हूँ देखो ऐसा कुछ नहीं होता है अब आप मैथ्स में मल्टीप्लीकेशन करते हो कौन सा मल्टीप्लीकेशन तीन डिजिट का तीन डिजिट से अब उसको हम जनरली जो हम बचपन से सीखते हैं जब से हम मल्टीप्लीकेशन सीखते हैं तो अगर हम जनरलाइज देखें तो हम उसको तीन स्टेप में सॉल्व करते हैं लेकिन आपको ये भी तो सिखाया जाता है कि आप उसको एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हो तो आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो उसको एक ही स्टेप में सॉल्व करते हो बहुत ही कम बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं नॉर्मली जनरली जो आप हमेशा से करते आ रहे हो ना आप उसको तीन स्टेप में ही करते हो क्योंकि उसमें आपकी आदत बनी हुई है आप यूज टू हैं आप उसको जल्दी कर सकते हैं जब तक कि आपको कोई, कोई नई चीज देखो ये मत देखा करो कि हाँ कुछ ये चीज नहीं आई है ये चीज नहीं आई है तो मैं इस वाले मेथड से कुछ नया आया ये टीचर ना कुछ नया मेथड लेकर आया पहली बात नया कुछ होता नहीं है ठीक है अगर कुछ नया मेथड है जब तक आपकी उस पर्टिकुलर टॉपिक में जब तक उस पर्टिकुलर मेथड में आपकी एक्सपर्टीज नहीं हो जाती जब तक आप उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर लेते वो किसी काम का नहीं अगर आप जस्ट इसलिए कि हाँ ये नया मेथड है कुछ नया आया है, कि और टीचर बोल रहा है कि इससे जल्दी हो जाता है नहीं ऐसा नहीं होता है कोई भी नई चीज है जब तक आप उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कामयाब नहीं हो पाओगे ठीक है फिर चाहे वो नई नई चीज है चाहे वो बेसिक वाला मेथड है

आप सभी ध्यान रखेंगे इस चीज का नेगेटिविटी से प्लीज दूर रहिए खुद भी दूर रहिए और दूसरों को भी नेगेटिविटी में मत डालो भाई मत फैलाओ इन सब चीजों को आगे पेपर है आप सभी के अपना तैयारी कीजिए बस यही कहना चाहती हूँ चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में टेक केयर एवरीवन